वेलकम बैक। मुठभेड़ इंतबाह का आगाज करें और आपको बताएं कि डस्का में 5 मकामात पर कायम पोलिंग स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जा भाग, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वोटर्स में खौफ और हरास फैल गया। डस्का में नामालूम अफराद ने आतिशी असले का बेदरेक इस्तेमाल किया। 5 मकामात पर कायम पोलिस स्टेशन के करीब धड़ल्ले से फायरिंग की और रफू चक्कर हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग और 8 जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जबकि जीशान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। गवर्नमेंट हाई स्कूल निस्पर रोड के पुलिस स्टेशन पर नामालूम कार सवारों ने फायरिंग की और मौके से निकल गए। स्कूल की दीवार पर गोलियां लगने के निशानात भी मौजूद हैं। मौके से गोलियों के खौल भी मिले। मेन बाजार में कायम पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से वोटर्स में खौफ और हरास फैल गया। खवातीन खौफ के बायस घबरा कर पुलिस स्टेशन के बाहर से चली गई। डस्का कलां में भी रंगीला चौक के करीब पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास और भगदड़ मच गई। नामालूम मुलजमान मौका से फरार हो गए। डस्का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने भी नामालूम अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की। पुलिस मुंह देखती रह गई और नामालूम अफराद भाग निकले। दूसरी तरफ हिमायतियों ने भी रिवायत बरकरार रखी। पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन एक दूसरे के आमने सामने आ गए और शदीद नारेबाजी की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार ने डस्का के जमनी इलेक्शन में फायरिंग के वाकये का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने फायरिंग के वाकये में मुलविस मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा, मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाए। उस्मान बुजार ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुलजमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सुबह से दहशतगर्दी की जा रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शिकस्त देखते हुए ताखीरी हरबे अपनाए गए। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था, वजीर आला पंजाब कहां हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हुकूमत एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकी। हुकूमती उम्मीदवार की सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करके भागे। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स शहीद हुए। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के अमल में रुकावटें डालती रही। सीसीपी और आईजी पंजाब पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आना चाहती हूं कि स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की बदमाशी इन लोगों ने की है, और ये इस वक्त वाकया मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, पूरी की पूरी इंतजामिया जो है, पूरी की पूरी इंतजामिया जो है वो खामोश है। पुलिस किधर है? आईजी साहब किधर है? सीसीपीओ किधर है? किधर है अभी वजीर आला पंजाब, जो सिलेक्टेड तो है ही, मुसल्लत शुदा तो है ही, वो अभी कह रहे हैं एफआईआर कटेगी जिन्होंने फायरिंग की है। एफआईआर कटेगी? एफआईआर तो आप पे कटनी चाहिए, आप सूबे के वजीर आला हैं। शाही खानदान की फौज ने डस्का में इंतखाबी हलकों को यरखमान बनाए रखा। फिरदौस आशिकान कहते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों को हरासा किया गया। नून लीग वालों के फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हुए। नून लीग के उम्मीदवार के गार्ड ने फायरिंग की और भाग गए। फिरदौस आशिकान ने मजीद कहा, ख्वाजा सादफी के हलके से डीएमओ को लाया गया। लीगी क्यादत ने इलेक्शन का अमल सबोताज करने की कोशिश की है। अपडेट करते चलें कि फिरदौस आशिकवान कहते हैं कि शाही खानदान की फौज ने डस्का में इंतखाबी हलकों को यरगमाल बनाए रखा। पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों को हरासा किया गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर से फायरिंग हुई, जिससे 2 अफराद जाँ भाग हो गए। नून लीग के उम्मीदवार के गार्ड ने फायरिंग की और भाग गए। ख्वाजा साद रफी के हलके से डीएमओ को लाया गया। लीगी क्यादत ने इलेक्शन का अमल सबोताज करने की कोशिश की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 खाली नशीतों पर जमनी इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। NA 75 डस्का, PP 51 गुजावाले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। NA 45 कुरम और PK 63 नौशहरा में भी सिक्योरिटी सख्त है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JJIFA में मुकाबला भी सख्त है। NA 45 की नशीत JJIFA के मुनीर खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। PK 63 की नशीत मियां जमशेदुद्दीन काकाखेल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने जमनी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जियों का नोटिस लेते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जमनी इंतखाबात के दौरान जाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि जमनी इंतखाबात में जाब्ते अखलाक की किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई की जाए, जमनी इंतखाबात के आजादाना मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सियासतदानों की कीमतें लग रही हैं, 30 साल से सियासतदान बिक रहे हैं और सब जानते हैं। हम कह रहे हैं ओपन बैलेट हो, दीगर जमातें खुफिया बैलेटिंग का कहती हैं, जमहूरियत में भी कोई पैसे देकर आता है। ये जो हमारे 30 साल इस मुल्क के बड़े बड़े करप्ट लोगों ने, जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। उन्होंने इस तरह का एक पूरा एक मुल्क में फिजा बना दी कि कोई करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। हाजी मरथों में शेरकारी मुहिम की तकरीर से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा माजी में करप्ट लोगों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया बल्कि मुल्क के अखलाक भी तबाह कर दिया। जो वजीर आजम करप्शन करता है तो पैसा बाहर ले जाना उसकी मजबूरी होती है, वरना लोगों को नजर आ जाएगा। चोरी करना एक नुकसान और चोरी का पैसा बाहर भेजना यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना इससे भी बड़ा नुकसान है, जिससे मुल्क तबाह और मकरूज हो जाता है। तो आखिर में ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है? मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। और ये अभी से नहीं लगी, ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है और पता भी सबको है। ये सारी जमातें जमाओ के कह रही है कि नहीं नहीं खुफिया वोट दो। अब मुझे ये समझाएं कि आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो, क्या ये तब्दीली किधर से आई है? इमरान खान का कहना था सेनेट इलेक्शन का तमाशा देख रहे हैं, मंडी लगी है, सेनेटर्स बनने के लिए सियासतदानों को खरीदने के लिए कीमतें लग रही हैं, 30 साल से ये किया जा रहा है और सबको पता है। जब हम कहते हैं सियासी जमात का रुकन असेंबली बताए किसे वोट दे रहा है तो अपोजिशन जमातें कहती हैं ओपन नहीं खुफिया वोट दो। हालांकि पहले ये सब खुद कहते थे ओपन बैलेट होना चाहिए, तो फिर इनमें ये तब्दीली कैसे आई? ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें ग्रास के पहले मनारे पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी, वहां अल्लाह ने करम किया हमारे पे। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसे दे के आता है? वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि दरअसल अपोजिशन हमें गिराने में हर जगह नाकाम रही, मीनारे पाकिस्तान का जलसा नाकाम हो गया, फैटिव कानून साजी, कोरोना वबा समेत हर जगह हुकूमत को शिकस्त देने में नाकाम हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में हमारे लोगों को खरीद कर किसी तरह अपने से ज्यादा सेनेटर ले आए। ये कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी पैसा देख कर आता है? ये कौम फैसला कुन वक्त पर खड़ी है, एक तरफ अवाम है दूसरी तरफ डाकू और उनका माफिया। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस में अदालत ने कहा कि हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसी जमात की सूबाई असेंबली में दो मेंबर हों और वो हलीफ जमातों से इतिहाद कायम कर सकती है, आप मुतनासिब नुमाइंदगी से मुतालिक बताएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सिदारती रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जवाब जमा कराना था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब जमा करवा दिया है जो पहले जवाब से मिलता जुलता है। चीफ
जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा इलेक्शन कमीशन के जवाब को देख लेंगे। रजा नवाजी ने दलाइल देते हुए कहा कोशिश करूंगा अपने दलाइल मुख्तसर रखूं। आमतौर पर अराकीन असेंबली को अच्छा वकील नहीं समझा जाता, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा आप सेनेटर और संजीदा वकील हैं। रजा नवाजी ने कहा कि सेनेट के कयाम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है, जो खुद को अलग समझते थे इन्हें नुमाइंदगी देने के लिए सेनेट कायम हुई। पार्लियामानी निजाम में दोनों ईवान कभी इत्तफाक राय से नहीं चलते, सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में एक मंडी बन जाती है, पता चलना चाहिए किसने किसको वोट दिया। मुल्क से पैसे की सियासत को खत्म करना है, हमें नीयत और कोशिश है कि इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए। मकसद ये है कि इस मुल्क में पैसे की सियासत को हमने खत्म करना है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में, अब आप देखिए ना, किसी और पार्टी ने ये 10 साल रहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, ये 10 साल रहे हुकूमतों में, 5-5 साल दोनों हुकूमत की, इन्होंने आया कोई ऐसा चेंज की जिसमें कि इन्होंने खुद एग्री किया था? वसीयत पे तो हम सिग्नेचर मान लेते हैं, लेकिन जो ये मुआहदा हुआ था उसमें बेनजीर साहबा का ये वो था, उनका एग्रीमेंट था कि वो अब जब आए तो वो इलेक्शन को सेनेट के वो करेंगे, उनकी जो 23 शिक है। अब हमारा अहम तरीन जो मकसद है वो ये नहीं है। इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी मेजॉरिटी है और सूबे में भी हम सीट्स लेंगे, और हुकूमत को ये एडवांटेज होता है, वसाइल होते हैं, हर किस्म का वो अवेलेबल होता है कि जिससे कि उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन हम वो पार्टी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अपनी जो भी, इस वजह से कि हम इस वक्त पावर में हैं, हम उस एडवांटेज को हम सरेंडर करते हैं और एक ऐसा माहौल लाना चाहते हैं कि ये आज हमारी वो है कल किसी और की होगी, कि पैसे की सियासत जब तक इस मुल्क से खत्म नहीं होगी, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, उस वक्त तक अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे लोग नहीं आ सकते। सेनेट इंतखाबात के मौके के लिए जोर तोड़ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता करके यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांग ली है। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं में सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरत हुई। पीपुल्स पार्टी जराए के मुताबिक साबिक सदर ने नवाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत मांग ली, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। जराए के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के जरिए यूसुफ रजा गिलानी को जाती उमरा की भी दावत दे दी। यूसुफ रजा गिलानी जल्द मरियम नवाज से भी मुलाकात करेंगे। जराए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पीटीएम तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, हुकूमत को मजीद टैमडम देने पर भी इत्तफाक राय हुआ। आर्मी चीफ से रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरतेहाल और अफगान आम अमल पर भी बातचीत हुई है। अफगान आम अमल से खत्ते में होने वाली तब्दीलियों पर बातचीत दोनों ममालिक में आम खत्ते की बेहतरीन मफाद में है, आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। जबकि जमीर काबलोफ ने कहा कि भारत रूस ताल्लुकात में मुख्तलिफ जहतों में मजीद बेहतर होंगे। जमीर काबलोफ ने अफगान आम अमल के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा, पाक रूस ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा इमरान खान कहते थे बिजली के बिल ना दो और वो बिल फाड़ देते थे। जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, आज 28 रुपए यूनिट है। स्पीकर मुझे बताएं मैं बिजली का बिल दूं या ना दूं। ऑयल की कीमत जा रहा है तो क्या ये पिछली हुकूमतों ने किया है? आपने कितने हजार अरब कर्जा बढ़ा दिया, महंगाई भी साथ बढ़ा दी, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान पर अफराते जर पहुंच गई है। आज देखें जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई एक एक्शन बताएं, हुकूमत कोई एक कदम ऐसा बताए कि इसने कीमतों को कंट्रोल करने में उस तरफ कदम बढ़ाया, कोई ऐसा एक एक्शन बता दे हुकूमत कि किसी कीमत को, किसी भी कमोडिटी की कीमत। कभी यह भी सुना था जनाबे स्पीकर कि एक हफ्ते में बिजली की 2 दफा कीमत बढ़ती है और फिर यह समरी भेजकर एक दफा
और फिर आ जाता है कि वजीर आजम साहब ने वो समरी रोक दी और नामंजूर कर दी। ये करने के बाद चार दिन के बाद कीमत बढ़ा दी जाती है। ये तो सरीयन मैं समझता हूं कि इस हकूमत ने हमारे इस मादरे वतन को, हमारे इस मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। वजीर तबनाए उमर अजूब का राजा परवेज अशरफ को जवाब में कहना था कि माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मुआवजे किए, महंगाई की बारूद सुरंगें पिछली हुकूमतों में बिछाई जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। का बेड़ा गर्क करने जा रहे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उसको हमने नेगोशिएट करके वहां से रुका करें, आप मुझे वहां से स्ट्रक्चर के वो हटा लूंगा, आप मुझे वहां से करेंगे। बारे में बात करें, यहां मेरा ये मेरी चेयर की जिम्मेदारी है। तकरीबन 50 से ज्यादा आईटी हाउस लोग हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अभी तकरीबन कंप्लीट कर ली है और तकरीबन मुल्क को 800 अरब रुपए की सेविंग आपको मिलेगी और हुकूमती कारखाने भी उसमें डाले तो ये तकरीबन 2500 से लेके 3000 अरब रुपए तक की ये सेविंग इंशाल्लाह ताला आएगी। ये लोग क्यों नहीं कर सकते थे? ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बदनवानी के ऊपर इनकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जनाब स्पीकर मैं आता हूं अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी के रेट शमसी तवनाई जो मुस्लिम लीग नून और ये पहली हुकूमतें करती रही थी, सोलर के रेट 24 रुपए फी यूनिट था। इमरान खान साहब की हुकूमत आई है जनाब स्पीकर, वही रेट जो अभी जो टैरिफ निकला है पिछले साल डेढ़ साल में 6.5 रुपए फी यूनिट पे आ गया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की PTI हुकूमत आने की वजह से कोई शमसी तवानाई कोई दुगनी हो गई है, कोई हवा तेज होने लग गई है? बुनियादी तौर पे जो उस चीज का अंसर खत्म हुआ जनाब स्पीकर वो था बदनवानी करप्शन, उसका रोकथाम था। लोग ब्रीफ केसेस लेके पहले दफातर में जाते थे, वो हमने खत्म किया है और उसका हम लोग अभी ये चीज देख रहे हैं। बुलेटिन यहाँ पे आपको अपडेट करें कि कराची की इस्तादे दहशतगर्दी अदालत में जमनी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अजलीम आदिल शेख को जेल भेज दिया गया। अदालत 22 फरवरी को दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगी। हलीम आदिल शेख को इस्तादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया जहां उनके साहबजादे भाई वकील और वफाकी वजीर फैसल वावडा खुरम शेरजमान राजा अजहर और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदालत में सरकारी वकील ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजमान के 3 मार्च तक जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की और बताया कि एक मजीद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी बरामद कर ली गई। अदालती रिमांड के बाद हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे कमरे में मनसूबे के तहत सांप छोड़ा गया जिसको मैंने मार दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हैदराबाद में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हलीम आदिल शेख को इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन की रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हैदराबाद में शाहरा मीरा मोहम्मद शाह पर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हर जगह सिंध के अंदर इंशाल्लाह एहतजाज का सिलसिला जारी है और जब तक हलीम आदिल शेख के खिलाफ ये जालिमाना और बेईमाना FIR खत्म नहीं होगी तो ये एहतजाज का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। बाकायदा सब नजर आ रहा था गाड़ियों पे फायर किए गए और उन्हीं को गिरफ्तार करना ये नामुनासिब सी बात है और ना समझ आने वाली बात है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इल्जाम आयद किया के ज़मीनी इंतखाबात में भी मुबैना तौर पर धांधली की गई है। इलेक्शन को चोरी किया गया है जो सिंध में इनकी रिवायत रही है पीपल्स पार्टी की और हलीम आदिल शेख भाई जब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए उनके साथ जो जालिमाना रवैया अख्तियार किया है तो ये आखिरी सांसें ले रहे हैं अपने और ये इनका वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उसके बाद से इन लोगों की कहानी खत्म हो जाएगी सिंध में। ये जितना जुल्म कर लें इंशाल्लाह, ये जितना जुल्म कर लें ये जुल्म का खात्मे का दिन आ गया है। ये जिस तरीके से एक शमा बुझने वाली होती है वो आखिरी जो फड़फड़ाती है, ये जो इनका जुल्म है ये वो फड़फड़ाना है इनका। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया कि हलीम आदिल शेख को इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज हैदराबाद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त सिम पर कामसन कर दिया। माजी के हुक्मरान की गलत पॉलिसियों के बाद मुल्क असल मंजिल से भटक रहा है। वजीर आजम की क्यादत ने हुकूमत ने माजी की खराबियों को दुरुस्त किया। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ने मुलाकात की है। इस मौका पर उस्मान बुजार का कहना था, पंजाब के हर छोटे बड़े जिला में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहा हूँ।
मुंतहिब नुमाइंदों और पार्टी अहदेदारों की मशावरत से अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम किए हैं। तहरीक इंसाफ के अहदेदारान के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। उस्मान गुलजार ने कहा पार्टी अहदेदारान को पूरा एहतराम दिया जाएगा, पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान को इनका जायज मुकाम देंगे। बोसीदा निजाम अवाम की फलाह के लिए नहीं बल्कि अशराफिया के हकूक का तहफ्फुज़ करता है। फरसूदा निजाम को बदल कर ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशा है। मरियम औरंगजेब कहते हैं सियालकोट गुजरांवाला नौशहरा के अवाम महंगाई करने वालों से आज वोट के जरिए बदला लें। वक्त आ गया है अवाम आटा चीनी बिजली गैस चोरों को वोट की ताकत से शिकस्त दें। तर्जमान पाक मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा अवाम फॉरन फंडिंग से पाकिस्तान में वोट चोरी करने वालों को निकाल बाहर करें। मकतूलीन के लवाहिकीन को ब्लैकमेलर कहने और अवाम पर आंसू गैस टेस्ट करने वालों से वोट के जरिए बदला लें। जिस तरह महंगाई करके अवाम को सताया गया अब अवाम जालिम हुक्मरान से वोट से बदला लेंगे। औरंगजेब को मजीद कहना था इंतजामिया को भी खबरदार करती हूँ कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश ना करें। इंतजामिया ने जाली हुक्मरानों की गुलामी अपनाई तो अवाम के गैज़ और गज़ब का उन्हें भी निशाना बनना पड़ेगा। अवाम वोट की ताकत से जाली हुक्मरान को इक्तदार से निकाल बाहर करें। महंगाई की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमत में 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया जिसके बाद घी की कीमत में 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे से एक लीटर के 5 पैकेट्स के पाउच में 44 रुपए और एक लीटर के 12 पैकेट्स वाले पाउच में 62 रुपए तक इजाफा किया गया है। जबकि घी 203 रुपए किलो से बढ़कर 251 रुपए किलो और ऑयल 244 से बढ़कर 273 रुपए फी लीटर हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने क्रिकेट मैच को इमाम मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर दिया और कहा हुकूमत की गवादर को दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम बनाने पर तवज्जो होगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत गवादर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। गवादर स्टेडियम में सियासी समाजी और शोबे स्टारों के पहले दोस्ताना मैच का आगाज किया। क्रिकेट मैच में मुआवन खुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी बरतानवी हाई कमिश्नर समेत अहम शख्सियात शरीक